Hi bubbly people, this is Bubblegum and welcome to my channel. Hi friends, आज हम लोग देखेंगे एयरपोर्ट रेल लिंक. ये है बैंकॉक का वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रो सर्विसेज. तो ये है वेंडिंग मशीन जहाँ से आप टिकट ले सकते हो. इसमें आप कॉइन्स से भी ले सकते हो या फिर आप नोट्स भी यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे ऑब्वियसली वेंडिंग मशीन दूसरी तरह का भी है, जैसे ड्रिंक्स हुआ या फिर खाने का और मास्क का भी. ये वेंडिंग मशीन आपको यूज़ करने का दिखा रही हूँ. जैसे मैं लाटकबांग से चल रही हूँ तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप कहाँ जा रहे हो, कितने लोग जा रहे हैं. जैसे अप टू 5 पीपल तक का भी आप चूज़ कर सकते हो. और यहाँ पे आप बैंक नोट इंसर्ट कर सकते हो अप टू 100 बार. कॉइन्स भी ले सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, कॉइन का भी जगह है. यहाँ पे मेरा टिकट निकल गया जो कॉइन जैसा दिखता है और बाकी का चेंज. इसमें आप एक स्मार्ट कार्ड भी खरीद सकते हो, जो एक कार्ड रहता है जिसके लिए बार बार आपको टिकट खरीदने का ज़रूरत नहीं है, पर कार्ड को रिचार्ज करना पड़ेगा. तो ये इंग्लिश में भी चेंज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं. यहाँ पे आपको एंट्री के लिए ऑब्वियसली सैनिटाइज़र है, आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और आपको QR कोड से चेक इन भी करना है. अगर QR कोड नहीं है तो फिर नाम और फ़ोन नंबर. ये पूरा स्टेशन्स का डिटेल्स लिखा हुआ है. हर स्टेशन में दो तरफ ट्रेन जाता है, एक स्वर्णभूमि की तरफ एक प्याथाई की तरफ. तो आपको अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से चूज़ करना है. ये देखिए, स्वर्णभूमि में ट्रेन जर्नी स्टार्ट होने से पहले पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है. एक जर्नी ख़त्म हुआ, ये सेकेंड जर्नी अभी शुरू होने वाला है. तो जो पैसेंजर्स हैं रुके हुए हैं ताकि सैनिटाइज हो जाए अंदर का कमरा, साफ़ हो जाए ट्रेन का, फिर जर्नी शुरू होगा. तो ये फर्स्ट स्टेशन स्वर्णभूमि जो A1 है टू लाटकबांग, दैट इज़ A2. यहाँ पे ट्रेन के अंदर बाथरूम भी है, वॉशरूम भी है, आप यूज़ कर सकते हो. पर अभी इस पर्टिकुलर ट्रेन में ये आउट ऑफ सर्विस था. पर स्वर्णभूमि से जब ट्रेन निकलता है तो एक थोड़ा टनल से निकलता है, तो पहले थोड़ा अंधेरा रहता है, फिर उसके बाद बहुत सुंदर देखने को मिलता है. ये देखिए पूरा ग्रीनरी है. यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं है क्योंकि ये ठीक एयरपोर्ट के नीचे है. स्वर्णभूमि एयरपोर्ट जैसे आपको पता है ये थाईलैंड का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है. बैंकॉक का बहुत सारा फ्लाइट्स बैंकॉक में इसी स्टेशन पे, इसी एयरपोर्ट में आता है. तो आप देख सकते हो वहाँ से, यहाँ से एयरपोर्ट भी दिख रहा है, रास्ता पूरा साफ है. क्योंकि ऑब्वियसली एयरपोर्ट के सामने आपको पता है कोई ऊँचा बिल्डिंग अलाउड नहीं है कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि जो स्टेशन का नाम है A1 A2 करके है A8 तक. क्योंकि क्या होता है, जैसे आप अगर अलग लैंग्वेज स्पीक करते हो या आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता पूरे नाम का, स्वर्णभूमि बोलना या फिर लाटकबांग बोलना, विच इज़ डिफ़िकल्ट, तो आप नंबर के हिसाब से भी याद रख सकते हो कि अरे मुझे तो A6 स्टेशन पर उतरना है. तो अगर आपको नाम से भी याद नहीं है, आप नंबर के हिसाब से याद रख सकते हो कि कहाँ पे आपको जाना है. तो ये वाला जो ट्रेन है ये एयरपोर्ट लिंक, इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये एयरपोर्ट से बैंकॉक इनर सिटी तक कनेक्ट करता है. बैंकॉक में और दो भी अलग मेट्रो सर्विसेज है, एक का नाम है BTS और दूसरे का नाम है MRT. तो एयरपोर्ट लिंक से ही आप कुछ ऐसे स्टेशन हैं जिसमें आप उतर सकते हो, जहाँ पे आपको BTS भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर MRT भी. तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि स्वर्णभूमि से लाटकबांग तक जर्नी थोड़ा लंबा है. ये हम लोग लाटकबांग तक पहुँच गए हैं, ये स्टेशन है. अभी हम लोग जा रहे हैं लाटकबांग टू बांथपचांग, ये A3. तो ये जर्नी शुरू हो गया लाटकबांग से. तो यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ, ये जो विजिबल आप देख रहे हो ट्रेन से बाहर जो सीनरी है, थोड़ा क्लाउडी है. मैं जिस दिन निकली थी थोड़ा क्लाउडी था. तो ये आपका कोई कट्स नहीं है इसमें, तो ये सेम आपको दिखने वाला है अगर आप ट्रेन में चल रहे हो तो. पर हाँ, स्पीड मैंने डबल किया हुआ है, तो ट्रेन इसी के हाफ़ स्पीड में चलता है जिस स्पीड से आप देख रहे हो. तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुँचने में वैसे 5 मिनट लगता है मैक्सिमम. मगर आप ये मत सोच के निकलो कि आपका 5 मिनट में जर्नी हो जाएगा, क्योंकि आपको ट्रेन के लिए वेट भी करना है पहला बात, और दूसरा बात आपको नहीं पता कि
कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए, टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, तब आपको वेट करना पड़ेगा, तो वो झमेला हो सकता है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ट्रेन जाते जाते दूसरी तरफ से भी ट्रेन जाता रहता है, तो ट्रेन जैसे आता है वैसे ही जाता रहता है, तो हर 5 से 10 मिनट में ट्रेन रहता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे। क्योंकि अगर आप सुबह जा रहे हो जहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांज़िट है लोग बहुत प्रेफर करते हैं यूज़ करना, स्पेशली जो लोग यहाँ पे एयरपोर्ट के पास रहते हैं और बैंकॉक सिटी की तरफ थोड़ा काम करने जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फास्ट रहता है और कोई गाड़ी चला के ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहता। इसमें जैसे ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये ऊपर से जा रहा है, आप रास्ते से नहीं जा रहे हो कि आपका ट्रैफिक जैम में फंसने का प्रॉब्लम है। पर इसका प्रॉब्लम ये है कि आप अगर हाई ट्रैफिक टाइम में अगर जा रहे हो तो ट्रेन के लिए बहुत वेट करना पड़ता है। जैसे हुआ सुबह का टाइम ऑफिस शुरू होने से पहले, या फिर शाम में जब छुट्टी हो रहा है उस टाइम, तो उस टाइम अगर आपको एयरपोर्ट जाना है और आप सोच रहे हो कि एयरपोर्ट लिंक से पकड़ के जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एकदम एयरपोर्ट के अंदर छोड़ देगा, तो थोड़ा टाइम लेके निकलना हाथ में। ये अभी हम लोग मांताबचांग A3 से जा रहे हैं हुआमांग जो है A4। तो जैसे मैं बोल रही थी कि एक एक स्टेशन के बीच में जर्नी का उतना टाइम ले लगता, बस वेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और ट्रेन जैसे ही जाके रुकता है फाइनल स्टेशन में, जैसे फर्स्ट स्टेशन जो है स्वर्णभूमि हम लोग जैसे बोल रहे थे, या फिर लास्ट स्टेशन जो है पयाथाई, वही ट्रेन थोड़ा देर रुक के फिर लोगों को, जितने सारे पैसेंजर्स हैं, अंदर निकाल के फिर वहाँ पे जो लोग पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं उनको लेके सेम ट्रेन दूसरी तरफ चलने लगता है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि ट्रेन चलता ही रहता है, घूमता ही रहता है, फर्स्ट स्टेशन टू लास्ट स्टेशन, लास्ट स्टेशन टू फर्स्ट स्टेशन। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग ज़्यादा ट्रेन नहीं दे रहे या फिर ऐसे कुछ कि इसीलिए थोड़ा लेट होता है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, तो इसीलिए बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेन का ज़रूरत रहता है। तो ऐसा जैसे आप देख सकते हो, अभी क्लाउड थोड़ा कम लग रहा है और बिल्डिंग्स भी थोड़ा चेंज हो गए हैं, क्योंकि ये हम लोग सिटी के अंदर घुसने लगे हैं। पहले जैसे आप देख रहे थे थोड़ा ग्रीनरी ज़्यादा था, या फिर घर भी जैसे था सब प्राइवेट हाउसेस टाइप के थे, या फिर टाउन हाउस जिसको बोलते हैं वैसा टाइप के थे, और अभी बिल्डिंग शुरू होने लगे हैं। क्योंकि ये जो हुआमांग एरिया में हम लोग जा रहे हैं, ये भी एक ठो फेमस ऑफिस एरिया है, यहाँ पर भी लोग बहुत चढ़ते हैं। तो इसका स्टेशन जो है थोड़ा अलग सा है, थोड़ा ओपन टाइप का है, तो आप देखेंगे तब पता चलेगा। तो हुआमांग में कभी कभी इवनिंग में बैठना अच्छा लगता है, जब भीड़ है तो आपको खड़े नहीं होना है लाइन में, थोड़ा देर आप वेट करना चाहते हो, रुकना चाहते हो, तो वहाँ पे बेंच में बैठ के आप रुक सकते हो। बट ऑब्वियसली एयरपोर्ट लिंक में आप पूरा स्टेशन में जब रहते हो एक लिमिट है, टाइम लिमिट है जिसमें आप रह सकते हो। तो ये हुआमांग A4 स्टेशन से अभी हम लोग जा रहे हैं रामकंपैंग, दैट इज़ A5। तो जैसे मैं बोल रही थी, ये थोड़ा खुला खुला स्टेशन है, तो इसमें जब आप बैठते हो, जब बारिश होता है तब बहुत, क्योंकि बारिश के साथ कभी कभी बहुत विंडी रहता है, तो भीगने का प्रॉब्लम रहता है इस स्टेशन में। मैं बहुत बार खुद ही भीग चुकी हूँ ऐसे वेट करते करते बेंच में बैठ के, पर बहुत अच्छा लगता है इसमें। शाम को बहुत खुला खुला है इसलिए हवा आता है एंड बहुत रिलैक्सिंग लगता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रामकंपैंग। रामकंपैंग में आपको बोट सर्विस का भी ऑप्शन मिलेगा, ऑब्वियसली एयरपोर्ट लिंक से नहीं, कि आपको उतर के वहाँ पे एक कैनाल टाइप का है जहाँ से आप बोट ले सकते हो। बैंकॉक में जैसे आपको पता है कि वाटरवे इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस एंड वेरी रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रैवल एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्रैफिक में नहीं फंसता आप अगर बोट से कहीं जा रहे हो तो। पर आपको पता होना पड़ेगा कि आपका कौन से स्टेशन में जाना है, कौन से पियर में आपको उतरना है बोट में। तो रामकंपैंग स्टेशन में, इस नेक्स्ट स्टेशन में हम लोग जब जा रहे हैं, वहाँ पे उतरते ही आपको बोट सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप बोट से ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ रिमेंबर दिस स्टेशन, आपको यहाँ पे उतरना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे मैं बोल रही थी कि एयरपोर्ट लिंक एरिया में आपको रहने का एक लिमिट है, जैसे आप ऐसा नहीं कि टिकट काट के सारा दिन बैठे रह सकते हो, वैसा नहीं है, एक लिमिट है, दैट इज़ 90 मिनट्स। तो आपको ट्रैवल करने में क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि ट्रेन के लिए कभी कभी वेट करना पड़ता है, तो आपको पूरा जर्नी 90 मिनट्स में कंप्लीट करना है, जब से आप टिकट लेके घुस रहे हो और निकल रहे हो। क्योंकि आप अगर 90 मिनट्स के ज़्यादा रहे तो आपको फिर टिकट खरीदना पड़ेगा, तो आपको फुल चार्ज देना पड़ेगा फिर से, तो विच इज़ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट।
तो ये हम लोग पहुँच गए रामकम्फैंग। तो अभी जाएंगे हम लोग रामकम्फैंग A5 टू माकासान A6। तो माकासान जो स्टेशन है वो भी एक बहुत बड़ा स्टेशन है, वहाँ पे आसपास भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं, लोग बहुत उतरते हैं, एक भी रहता है यूजुअली स्टेशन में बहुत। तो ये जैसे वाटरवे का मैं बोल रही थी, आपने देखा वो जा रहा है कैनल। तो माकासान स्टेशन में आपको कनेक्ट होता है MRT के साथ। तो MRT जैसे मैं बोल रही थी एक दूसरा मेट्रो का सिस्टम है बैंकॉक में, तो वहाँ पे आप उतर के MRT ले सकते हो, MRT पचबुड़ी, वहाँ से आपको दूसरा ट्रेन कनेक्ट कर सकते हो आपको जहाँ पे जाना है। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि स्टेशन का नाम याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उस MRT से आप जिस तरफ जाना चाहते हो ध्यान से देख के आपको जा सकते हो। तो यहाँ माकासान में स्टेशन में उतरने के बाद आपको एरो से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि MRT जाने के लिए आपको किस तरफ जा सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे हेल्पर्स है जो खड़े रहते हैं वहाँ पे, वर्कर्स एयरपोर्ट लिंक वाले, बहुत हेल्पफुल है, उन लोगों को भी जाके पूछ सकते हो, काउंटर में जाके पूछ सकते हो आपकी किस तरफ जाना है, तो वे लोग आपको दिखा देंगे। हर स्टेशन में एक ये भी फ़ायदा रहता है कि आपको खाने का बहुत सारा दुकान ऑप्शन मिलता है। तो बहुत जन जो होते हैं, क्योंकि ऑफिस जो लोग इस तरफ रहते हैं एयरपोर्ट की तरफ, ऑफिस जाने के पहले खाना शायद बनाने का टाइम नहीं मिलता होगा उन लोगों को, जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, तो ब्रेकफास्ट वहीं से ख़रीद लेते हैं एयरपोर्ट लिंक से। तो वहाँ पे जो खाने का ऑप्शन रहता है, दुकान रहता है, वहाँ से आप ब्रेकफास्ट ले सकते हो। जो बच्चे स्कूल जाते हैं स्कूल का लंच भी ख़रीद के लेके जा सकते हैं, जाके खा लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पैक्ड रहता है वो, प्लास्टिक का टिफ़िन बॉक्स में दिया जाता है डिस्पोजेबल, तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। सारे स्टेशन में खाने का ऑप्शन रहता है मेरे हिसाब से, मैंने जो देखा है मेरे एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट खाने का ऑप्शन रहता है रामकम्फैंग स्टेशन में और माकासान स्टेशन में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माकासान A6 स्टेशन टू राजपारोव, विच इज़ 8-7। तो राजपारोव स्टेशन का आपने शायद नाम सुना होगा, क्योंकि इंडियन बहुत रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, और बहुत जन वहाँ पे होटल में रहना भी पसंद करते हैं जब भी कोई इंडिया से आता है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो आते हैं यूजुअली उसी एरिया में रहते हैं। बायोक टावर का शायद आपने नाम सुना है, वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन थाईलैंड। ये एक्चुअली टॉलेस्ट बिल्डिंग था, पर अभी एक दूसरा बिल्डिंग आ गया है मानाकॉन टावर, सो ये सेकेंड टॉलेस्ट हो गया है अभी। तो बायोक भी वहाँ पर है राजपारोव में। तो राजपारोव में आपका प्रतुनाम मार्केट है, प्रतुनाम मार्केट शायद आपने सुना होगा, इंदिरा स्क्वायर मॉल जो है, प्लैटिनम मॉल, पैलेडियम मॉल, सेंट्रल वर्ल्ड, सो ये सब बहुत सारा विजिटिंग का जो एरिया है, इस स्टेशन में आपको उतरना पड़ेगा उसके लिए। सो यहाँ से आप जब आप वॉक करके जाते हो सेंट्रल वर्ल्ड की तरफ, किसी को भी पूछ सकते हो, सिर्फ सीधा रास्ता है एयरपोर्ट लिंक से, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, सिर्फ सीधा चलते जाना है। रास्ते में बहुत सारा आपको मार्केटिंग का, शॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा। ये है राजपारोव से पयाथाई, विच इज़ द लास्ट स्टेशन A8। पयाथाई जो ऑप्शन जो ट्रेन है, यहाँ से आपको BTS का ऑप्शन मिलता है। तो BTS जो है, जो मैं बोल रही थी कि दूसरा और एक मेट्रो का ऑप्शन है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट रूट्स में जाता है, और BTS बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, अभी बहुत ज़्यादा स्टेशन बढ़ गया है, तो ट्रैवल करना और भी बहुत इजी हो गया है, नया नया लाइंस भी बनता जा रहा है, तो ये और ऑप्शंस बढ़ जाएगा 2021-2022 तक। तो पर हाँ, BTS का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना सारा लाइंस है उसका, ब्लू लाइंस है, येलो लाइंस, सॉरी वो MRT का है, देखिए मैं कन्फ्यूज्ड हो गई, तो MRT का है ब्लू लाइंस, पर्पल लाइंस, BTS का भी ऐसे बहुत सारा लाइंस है। तो इसीलिए आपको वैसे ही जैसे इसमें एयरपोर्ट स्टेशन का आपको नंबर याद रखना पड़ेगा, जैसे इसमें है A6, A5, वैसे BTS और MRT का भी है नंबर्स के हिसाब से, अल्फ़ाबेट और नंबर्स के हिसाब से स्टेशन का नाम। तो आपको अगर स्टेशन याद रखने में प्रॉब्लम है तो आप वैसे भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ये हम लोग लास्ट स्टेशन तक पहुंच गए हैं, ये पूरा स्टेशन का आपका समरी दिया हुआ है सामने, देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, होपफुली नेक्स्ट टाइम आप जब ट्रैवल कर रहे हो इस वीडियो से आपको घूमने में आसानी हो। ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।
If you enjoyed this video, please leave a like and share with your friends. Comment down below, what would you like to see next? Also, please don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that every time I upload, you're updated immediately. See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.